चलिए स्पीड अप करना है, मुकाबले को शुरू करना है। एक साथ 11 बनाम स्मिथ स्मैशर सलामी की जोड़ी मैदान के अंदर है। शरद भाई वहां पर नजर आते हुए मैदान के अंदर, चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा देखने मिलती है जरूर। और स्मिथ स्मैशर्स के टू मैन धामू यहाँ पर मौजूद। आदेश और शरद भाई सलामी की जोड़ी मैदान के अंदर, मुकाबला चल रहा है। एक साथ 11 बनाम स्मिथ स्मैशर्स। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे सुदाम। सुदाम करेंगे गेंदबाजी। शरद स्ट्राइक एंड पर होंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे आदर्श। एक साथ 11 के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। काफी अच्छा, काफी सुंदर आयोजन हमें देखने मिल रहा है जय भवानी क्रिकेट क्लब की तरफ से। बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जिसको नवाज दिया गया है। एक महान हस्ती, एक बड़ी हस्ती के नाम से बाला साहेब ठाकरे इनके शुभ नाम से नवाज दिया गया है। और यकीनन सुफियान पटेल आते हुए कैप्टन कूल, क्या थ्रो मारा था सुफियान पटेल ने। सुदाम शरद के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद। हेलो, शरद भाई के विकेट का पतन हो चुका है। शरद भाई मैदान के बाहर, सुदाम की अच्छी गेंदबाजी। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर हरी, एक यंग टैलेंट बल्लेबाज हरी। ये देखिए हरी ने उठाकर खेलने की कोशिश जरूर की, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मन्या गेंद के नीचे और हरी के पारी का खात्मा। एक यंग टैलेंट बल्लेबाज मैदान के अंदर जरूर आए थे लेकिन सुदाम ने मैदान के बाहर कर दिया। अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर। हर्षल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है। हर्षल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, मुकाबला चल रहा है। एक साथ 11 बनाम स्मिथ स्मैशर्स। पहला मुकाबला हुआ था एमसीसी बनाम ओम साई, उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ अमल 11 बनाम रायगढ़ स्पोर्ट्स, उसके बाद ये तीसरा मुकाबला। ये देखिए इस बार सुदाम की अच्छी गेंद, तेज सरार गेंदबाजी कर रहे हैं सुदाम।
बल्लेबाजी भी कमाल की है और गेंदबाजी भी कमाल की। इस महानगर पालिका के मैदान के ऊपर अपनी गेंदबाजी दिखाते हुए बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024 में सुदाम फिर से एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट हर्षल के लिए। इस बार अच्छी गेंद और एक झटका लगता हुआ और एक धक्का लगता हुआ टीम स्मिथ स्मैशर्स को, संकट में आती हुई टीम स्मिथ स्मैशर्स, ये तीसरा झटका लगता हुआ। आकाश नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, सुदाम की गेंदबाजी काबिले तारीफ गेंदबाजी, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका जिसे कहा जाता है, यकीनन अच्छी गेंदबाजी। पांच गेंदे अब तक फेंकी है सुदाम ने और जीरो रन और तीन विकेट, अच्छी गेंदबाजी सुदाम नाइक की। छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, मैदान के अंदर धूम धड़ाका, गेंदबाजी चल रही है सुदाम की ओर से। आकाश नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, ये देखिए इस बार आकाश ने खेल दिया है, एक रन मिलेगा। अगर ये गेंद डॉट आती तो मैडन ओवर जरूर हो सकती थी। इस्माइल पिंजारी ने इससे पहले मैच में मैडन ओवर फेंकी, लेकिन मैं तारीफ करूंगा सुदाम के लिए, एक बार जोरदार टाली होनी चाहिए। अच्छी गेंदबाजी की है, महज एक रन खर्च किया है ओवर में और तीन विकेट जरूर हासिल किए हैं सुदाम ने। पावर प्ले की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद महज एक रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। महेश सेठ सालू के इनका स्वागत हो चुका है यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024 में। आइएगा सर, आपका स्वागत है, अपना कीमती समय निकाल कर इस मंच पर आप हाजिर हुए, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए इस बार खेल दिया है आकाश ने, कवर्स के क्षेत्र में अंपायर का इशारा आया नंबर चार, इस चार रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर पांच रन। महेश सालू के सर इनका स्वागत, कुणाल भालेकर इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा इनके शुभ हाथों जोरदार तालियों के साथ। हमारे मेहमान इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपना कीमती समय निकाल कर आप इस मंच पर आए। आदेश अभी स्ट्राइक एंड पर है, विकेट की अपील जरूर हुई है और विकेट का पतन। आनंद माली गेंदबाजी कर रहे हैं, आनंद माली की पहली गेंद पर चौवा जरूर दागा था आकाश ने, लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट। ओमकार सावंत सर इनका स्वागत करेंगे, छोटा इनके शुभ हाथों जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए क्योंकि हमारे मेहमान अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं, ना जाने कई काम उनके पास होंगे, अपने फैमिली के बीच से समय निकाल कर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये देखिए इस बार खेल दिया है, दो रन की दौड़ और दो रन पूरे, इस दो रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर आठ रन। फिर भी अच्छी गेंदबाजी आनंद माली की, पहली ओवर डाली थी सुदाम नाइक ने, एक रन खर्च किया था और तीन विकेट हासिल किया था। दूसरी ओवर चल रही है, आनंद माली गेंदबाजी कर रहे हैं, ये देखिए इस बार सुजन मुसलनकर उपशर प्रमुख इनका स्वागत हो चुका है जोरदार तालियों के साथ। राम रामराज दादा पाटिल
इनका भी स्वागत हो चुका है जोरदार तालियों के साथ। हमारे मेहमानों का स्वागत, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे मेहमानों का कि अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ आ चुके हैं। बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024 में दस रन टोटल लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, और हमारे मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं इस मंच पर। बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024 में हमारे मेहमानों का स्वागत, हमारे मेहमानों का सत्कार। केतन मात्री, केतन नरावड़े, इनके शुभ हाथों स्वागत हमारे मेहमान। रामदास पाटिल सर का स्वागत, काफी अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जय भवानी क्रिकेट संघ, काफी अच्छा ऑर्गेनाइज, जिसको नवाज दिया गया है एक महान हस्ती जिनके नाम से बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024 बहुत बड़ी हस्ती के नाम से नवाजा गया है। और काफी अच्छा आयोजन, काफी अच्छा यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, काफी अच्छा मैदान इस महानगर पालिका के मैदान के ऊपर। दो गेंदें हो चुकी है, 12 रन। ये देखिए इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में तेज तरार खेल दिया है खिलाड़ी, वहां पर मौजूद अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 13 रन। आया आए हुए हैं नए बल्लेबाज, तो ये देखिए आकाश के लिए डाली गई गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। भाई गेंदबाजी कर रहे हैं, चार गेंदें हो चुकी है, मैं जय भवानी क्रिकेट संघ के आयोजक वहां पर अगर मौजूद है, बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक का बैनर वहां पर लगा हुआ है, बैनर के पास जो भी खड़े हुए हैं और जो भी बैठे हुए हैं प्लीज इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि बैनर से प्लीज थोड़ा बाजू में बैठ जाए। ये देखिए आकाश ने दिखा दिया है, आकाश गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 23 रन। और अगर जिस किसी को भी गर्मी लग रही है, काफी गर्म माहौल है, प्लीज लेफ्ट साइड में कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में सोडा यहाँ पर रखा गया है, डबलम सोडा के नाम से जाने जाते हैं, एक अच्छा सोडा, एक स्ट्रॉन्ग सोडा, जिस किसी को भी अगर सोडा पीना है तो प्लीज वहां पर विजिट करें, काफी अच्छे अच्छे फ्लेवर, ब्लूबेरी हाजमा, काफी अच्छे अच्छे फ्लेवर वहां पर मौजूद है। तो नीलेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नीलेश का सामना करेंगे अयान। ये देखिए फटकी हुई गेंद, उछाल ज्यादा गेंद में अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट गेंद, 24 रनों पर टोटल आता हुआ। चौथा ओवर चल रहा है, मुकाबला चल रहा है स्मिथ स्मैशर्स बनाम एक साथ 11 के दरमियान
ये देखिए इस बार रयान ने खेले डाली हुई गेंद, डांडी गोल क्लीन बोल्ड कर दिया है गेंदबाज नीलेश वायडंडे ने। पहली गेंद में उछाल ज्यादा थी लेकिन इस गेंद में उछाल नहीं और क्लीन बोल्ड। संकेत नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। यकीनन आज स्मिथ स्मैशर्स की टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। तो वहां पर बाजीराव सोडा भी वहां पर लगाया गया है, तो वहां पर भी विजिट करें, वहां पर भी टेस्ट करें। यहां पर इतने गर्म माहौल में, इतने गर्म क्लाइमेट में वहां पर ठंडा ठंडा सोडा रखा गया है मात्र 20 रुपए में। नीलेश तैयार, ये देखिए नीलेश की इस गेंद पर खेल दिया है, अच्छा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दो रन की दौड़ और ये रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं। दो गेंदे हो चुकी है, 26 रन टोटल लग चुके हैं, 26 स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर चल रहा है इस महानगर पालिका के मैदान के ऊपर। जैसे जैसे सूरज ढलेगा, जैसे जैसे शाम होने आएगी, जैसे जैसे मुकाबले समाप्त होने आएगी, हमें देखने जरूर मिलेगा बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024 का विजेता कौन होगा, कौन इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाएगा, कौन इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने नाम करेगा, कौन सुनहरी अक्षरों से लिखेगा इतिहास अपने नाम का। इस बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024 का कौन जीता, कौन हारा, किसने जीत का जश्न मनाया, किसने हार का मातम मनाया, जैसे जैसे शाम होगी पता चलेगा। लेकिन इस बीच हवाई फायर और सुदाम गेंद के नीचे, ऊंचाई ज्यादा थी लंबाई कम थी, विकेट का पतन हुआ। अच्छी गेंदबाजी नीलेश वायडंडे की, एक साथ 11 के सभी गेंदबाज काबिले तारीफ गेंदबाजी कर रहे हैं, जकड़ कर रखे हैं, पकड़ कर रखे हैं बल्लेबाजों को स्मिथ स्मैशर्स के, काबिले तारीफ गेंदबाजी। पहला विकेट गिरा था खुद कप्तान शरद का, उसके बाद ऋतिक के हर सिक्स पर 1000 रुपये अनुराग की तरफ से दिए जाएंगे। सिक्सर लगाए और 1000 रुपये कमाए। ये देखिए पहला सिक्स दाग दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1000 रुपये की लालच दी गई है ऋतिक के लिए। 1000 रुपये का जैसे नाम सुना वैसे ही बल्ला घुमाया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और 1000 रुपये अब तक उनके झोली में आते हुए। आखिरी गेंद आना अभी भी शेष, देखने आखिरी गेंद पर क्या सिक्सर लगेगा, एक और 1000 रुपये उन्हें प्राप्त होंगे या आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगाते हैं। मैदान के अंदर जो बच्चे हैं प्लीज मैदान के बाहर चले जाएं। ये देखिए इस बार भी लगाया है सिक्सर ऋतिक ऑन फायर, मैदान के अंदर 2000 रुपये के हकदार बनते हुए ऋतिक, 2000 रुपये के हकदार, 40 रन बनाने हैं टोटल लगे हैं 40 रन बनाने हैं जीत के लिए। ऋतिक आते ही साथ घमासान, दो लगातार सिक्सर और 2000 रुपये, तो प्लीज यहां पर 2000 रुपये जमा करने हैं।
जी हाँ, कारनामा अच्छा किया है। ऑनलाइन आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपके अकाउंट में जरूर जमा किए जाएंगे। तो इसके बाद का मुकाबला सीनियर जूनियर के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा और राइवल्स के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा। टॉस के लिए आना है, राइवल्स के कप्तान और सीनियर जूनियर के कप्तान। तो आने वाली दो तीन चार को भराव के मैदान के ऊपर डे नाइट टूर्नामेंट रखा गया है। वसीम मस्ते आयोजक है, काफी अच्छा आयोजक रहता है वसीम मस्ते का। दो तीन चार फरवरी को डे नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है भराव के मैदान के ऊपर। यकीनन मयूर नजर आएंगे उस डे नाइट टूर्नामेंट में, शुभम माली भी नजर आएंगे। चालीस रनों की है जरूरत। शरद भाई से काफी उम्मीदें थी। शरद भाई जब बल्ला लेकर मैदान के अंदर आए थे तो इसके बाद का होगा मुकाबला सीनियर जूनियर बनाम राइवल्स। एमसीसी मुस्तफा रॉयल की टीम फर्स्ट राउंड जीतने के बाद सेकंड राउंड भी जीता है रायगढ़ स्पोर्ट्स के साथ। राइवल्स ने टॉस को जीता है। मुजम्मिल ठाकुर मैन फ्रॉम कुरला। स्पीड अप करना है प्लीज, जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू करना है। 40 रनों का है लक्ष्य। एक साथ 11 को टीम को सलामी की जोड़ी मैदान के अंदर, नीलेश वायरंडे और सुदाम माइक। तो ये देखिए शरद भाई वहां पर मौजूद थे। तो आने वाली 16 17 18 फरवरी 2024 को पीपीएल 2024 का ऑर्गेनाइज किया गया है। पीआईपीएल प्रेसिडेंट आमदार प्रशांत दादा ठाकुर और हमारे परेश दादा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी पनवेल 16-17-18 फरवरी को 2024 इसी मैदान के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट प्राइज 1,00,000 रुपये और सेकंड प्राइज 50,000 रुपये और थर्ड प्राइज 22,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखी गई है बाइक, जिसको ऑर्गेनाइज किया है राजू पटेल, सुमित जुंजारा और सुफियान पटेल ने।
तो इस बीच गेंद जाती हुई चार रनों के लिए, 40 रनों का है लक्ष्य। तीन गेंदें हो चुकी है, 8 रन टोटल लग चुके हैं। हमारे साथ हमारे बैठे हुए मेहमान बाला साहेब ठाकरे, स्मृति चषक 2024 में इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। एक महान हस्ती के नाम से इस टूर्नामेंट को नवाजा है, इस ट्रॉफी को नवाजा है। ये देखिए इस बीच गेंद हवा में, लेकिन जब तक खिलाड़ी पहुंच पाते एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 9 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, 9 रन टोटल बनाने हैं, 40 रन मुकाबला चल रहा है। एक साथ 11 बनाम स्मिथ स्मैशर्स के दरमियान। तो ये देखिए पटकी हुई गेंद को पटक कर खेला है, घुमा दिया है, ताकतवर शॉट सुदाम नाइक का। क्यों कहा जाता है इस बल्लेबाज को, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका कर रहा है मैदान के अंदर धूम धड़ाका। काफी अच्छा शॉट सुदाम नाइक का। इस 6 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 15 रन। यकीनन तपती धूप, काफी गर्म क्लाइमेट हमें देखने मिल रहा है, तो प्लीज हमारे भाइयों ने सोडा वहां पर रखा है उनके पास जरूर जाए। इस बीच कवर्स के क्षेत्र में सुदाम नाइक ने खेल दिया था, एक रन की दौड़, एक रन पूरा, एक ही रन से संतुष्ट, एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। ये देखिए सुदाम नाइक का गेंद भेजते हुए सुदाम नाइक सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, काफी अच्छा शॉट। 24 रन टोटल लगते हुए 3 गेंदें हो चुकी है, 24 रन स्कोरबोर्ड पर, 40 रनों का है लक्ष्य। ये देखिए इस बार कदमों का इस्तेमाल, चीते की दहाड़, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए सुदाम नाइक ऑन फायर। क्यों कहा जाता है इस बल्लेबाज को, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। कद छोटा है लेकिन कारनामे काफी बड़े हैं इस बल्लेबाज के, काफी अच्छी बल्लेबाजी और आकाश को दिखाया है आकाश सुदाम नाइक ने। 4 गेंदे हो चुकी है,
30 रन टोटल लग चुका है स्कोर बोर्ड पर, अब जरूरत है 10 रनों की। मुकाबला एक तरफा होते जा रहा है। ये देखिए इस बार भी हवाई फायर, हवाई हमला, झूले झूले लाल, दम मस्त कलंदर, गेंद दर्शकों के अंदर, 6 रनों के लिए, 3 गेंदों पर 3 छक्के लगातार दागे। शिवसेना के हमारे अच्युत मोरे सर, इनका स्वागत हो चुका है इस मंच पर। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अपना कीमती समय निकाल कर आप आए। बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2024 में आपका स्वागत है। तो ये देखिए इस बार भी खेल दिया है इनसाइड आउट, 4 रन। इसी के साथ मुकाबले को जीता है एक साथ 11 की टीम ने। जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत